हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 बम्पर कमाई में जुटी हुई है। फिल्म ने पहले दिन ही शानदार कमाई करते हुए हाईएस्ट ओपनिंग वर्ल्ड वाइड फिल्मों की लिस्ट में धांसु एंट्री मारी। इस फिल्म ने इस लिस्ट में एंट्री मारने के साथ साथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहू के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। हालांकि साउथ स्टार यश की फिल्म RRR और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। इसके साथ ही फिल्म इस लिस्ट में तीसरे पोजीशन पर जगह बनाने में बहुत ही आसानी से कामयाब रही। आइए देखते हैं वो लिस्ट। दोस्तों, पहले दिन की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में अभी भी डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR बड़े ही ठाट बाट से बैठी है। इस फिल्म ने अपने पहले दिन बाहुबली 2 के आंकड़ों को धूल चटाते हुए पहले नंबर का मुकाम हासिल किया। फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड लेवल पर 222 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया था। दूसरे नंबर पे है बाहुबली 2। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे बाहुबली 2 हो गई है। इस फिल्म को भी डायरेक्टर SS राजामौली ने ही बनाया था। साल 2017 में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 213 करोड़ रुपए के आंकड़े को छुआ था। नंबर 3 पे है KGF चैप्टर 2। इस फिल्म का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 134 करोड़। साहो 124 करोड़। 2.0 इस फिल्म का है 105 करोड़ रुपए। रजनीकांत की कबाली ने भी कुछ 90 करोड़ रुपए के आंकड़े को छुआ था वर्ल्ड वाइड पहले दिन। बेस्ट इस फिल्म की बात ही क्या करूं मैं। इस फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 87 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। सईरा नरसिम्हा रेड्डी, जी हां, सभी को पता है चिरंजीवी स्टारर फिल्म। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 85 करोड़ रुपए। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जी हां, आमिर खान की फिल्म। इस फिल्म ने कमाई की थी 76 करोड़ रुपए। और देखा जाए तो टॉप 10 लिस्ट में ये फिल्म शामिल है। बाहुबली 73 करोड़ रुपए, यानी कि 73 करोड़ रुपए। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 बहुत ही ज्यादा बम्पर कमाई कर चुकी है अपने पहले दिन। देखा जाए तो 70-80% अपना जो बजट है वो निकाल चुकी है फिल्म। अब देखना है कि आने वाले टाइम में फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होता है, कितना होता है RRR के करीब। आपको क्या कहना है इस बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज़।